हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम करेंगे ग्रुप एंड रिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वैसे तो जिन्होंने पास्ट क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि मैम जीजीयू के हमें प्रोवाइड किए जाएँ, कुरुक्षेत्रा के हमें प्रोवाइड किए जाएँ। तो अभी एमडीयू के क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करेंगे और डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स के सोल्यूशन हैं, ये पास्ट, जैसे कि अभी हमारा जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं, ये मैं पहले इसकी वीडियोस अपलोड कर चुके हूँ, हाफ से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा चुके हूँ, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको कंप्लीट करते ही फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और जीजे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पैनिक क्रिएट मत कीजिए, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ बेसिक्स आपसे पूछा जाएगा। और वो बेसिक भी कहाँ से आएगा, आपकी बुक्स में से ही पूछा जाएगा। जो बल्कि अगर आप पढ़ सकते हो, जो बच्चे अदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बुक्स ले रहे हैं, बल्कि वहाँ आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। मुझे ये लगता है कि जैसे कि यूनिक पब्लिकेशन की बुक है, अगर आप यूनिक पब्लिकेशन की बुक लेते हैं तो उसमें हाई लेवल, इससे भी ज़्यादा हाई लेवल आपको मिलेगा। यानी कि जो नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर हम कहें कि जो IITs के लिए प्रिपरेशन करते हैं, IIT जैम की तैयारी करते हैं, उनके लिए वो बुक बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ओनली हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो थोड़ी सी आपके लिए हाई लेवल रहेगी। उसके सभी क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, वहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि अगर आप यही बुक्स जो आपके BA और BSc में आपने पढ़ी हैं, अगर आपके पास सभी बुक्स अवेलेबल हैं, तो हर एक चैप्टर का बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें होती हैं या इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के रिजल्ट होते हैं, वही आपको रीड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, लेट जी डॉट बी अ ग्रुप सच दैट A² = E फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, देन G इज, कौन सा ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा एग्जांपल है, आपने पढ़ा भी होगा ग्रुप सेंडिंग में से। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के जो क्वेश्चन, जितने भी यानी कि पेपर्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फाइनल ईयर आपके MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, A² = अगर E हमें ये कंडीशन गिवन है, तो हमने ये इस टाइप से प्रूव किया था कि हम इसको लिख सकते हैं A into A = E। हम A इनवर्स इसको प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A inverse into E, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, A into A = A inverse, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, और हमारे पास आ जाता है A = A inverse। और यहाँ पर जो A नंबर है वो किसका नंबर है, G का नंबर है। इसका मतलब G के नंबर जो है वो क्या है, हर एक एलिमेंट अपना खुद का इन्वर्स रखता है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ इट्स ऑन इन्वर्स। इसी टाइप से अगर मैं बी लेती हूँ जी का नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि बी किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स के इक्वल होगा, क्योंकि जी ग्रुप है। तो अगर ए भी जी के नंबर हैं, तो ए इंटू बी भी किसके नंबर होंगे, जी के ही नंबर होंगे, राइट। ए इंटू बी यानी दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो वो भी तो जी के ही नंबर होंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि A into B = its inverse, क्लियर दैट। A into B = इनवर्स प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, B inverse A inverse किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ए इनवर्स ए के इक्वल है, सो A into B = B into A। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ग्रुप को अबिलियन ग्रुप बना देती है। जी तो ग्रुप ऑलरेडी गिवन है, अबिलियन प्रॉपर्टी को भी, सॉरी कम्युनिटिव प्रॉपर्टी को भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना वहाँ पे। इस टाइप से जब आप पढ़ते हैं, किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, केवल बेसिक से रिलेटेड पूछा जाएगा। आपको ये क्वेश्चन अगर आपको उसका सोल्यूशन आता है, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर केवल आपको रिजल्ट्स पर फोकस करना है, ना कि इसके सोल्यूशन पर फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन कहता है, जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, दैन नंबर ऑफ द जनरेटर ऑफ जी। तो नंबर ऑफ जनरेटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाई ऑफ, यहाँ पर ऑर्डर कितना है, जी साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर है 8, तो फाई ऑफ 8 हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। अगर जी आपको साइक्लिक ग्रुप गिवन है और आपको इसके इसका ऑर्डर गिवन है, 8 ऑर्डर यहाँ पे गिवन है, ग्रुप का ऑर्डर आपको पता है, तो हमें नंबर ऑफ जनरेटर्स किस टाइप से फाइंड आउट करने हैं, आयलर फंक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। तो फाई ऑफ 8 को कैसे सॉल्व करते हैं, फाई फंक्शन यानी कि एलर्स
फाई फंक्शन क्या होता है? अगर फाई ऑफ एन को हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर एन जो है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। फाई ऑफ वन की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। तो हमें एलर फंक्शन डिफाइन करना है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। फाई ऑफ एन क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन। एन से लेस होने चाहिए और एन के साथ को प्राइम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें लेने हैं। फाइव ऑफ एट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एट से छोटे पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब देखिए एट के साथ कौन कौन से को प्राइम है? एट और वन की जी सी डी, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो इनकी जी सी डी क्या आनी चाहिए दो नंबर्स की। एट के साथ कोई भी ऐसा नंबर लो इन सब में से जिसकी जी सी डी वन आती है, ठीक है। तो वन और एट की जी सी डी वन, टू और एट की जी सी डी दोनों को प्राइम नहीं है क्योंकि टू इसका जो कॉमन फैक्टर है और वन भी कॉमन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री और एट आपस में को प्राइम है, फोर फोर भी को प्राइम इसके साथ नहीं है, फाइव एट की जी सी डी भी क्या रहेगी? वन रहेगी, ये भी को प्राइम है। सिक्स एट की जी सी डी नहीं जी, खुद के और वन के अलावा यहाँ पे जो इस दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो टू है। सेवन और एट की जी सी डी वन है। तो कितने नंबर्स के साथ को प्राइम है एट? वन टू थ्री फोर। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट लेने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कितना हो गया? फोर हो गया हमारा जो ऑप्शन हो गया, यानी कि इसके चार जनरेटर होंगे। साइक्लिक ग्रुप है तो ही जनरेटर आपसे पूछा जाएगा क्योंकि साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर होते हैं। ऑर्डर आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जनरेटर, तो हमें बताना है एलर फंक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? फोर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ ऑर्डर ऑफ ऑड जी ग्रेटर देन वन, देन ऑर्डर ऑफ जी इज। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अभी हमने इससे पहले वाला एग्जांपल किया था इसी टाइप से। ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ऑटोमॉर्फिज्म समझते हैं कोई भी होमोमॉर्फिज्म जो जी से जी तक जाती है ना। एफ फ्रॉम जी टू जी इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म, और एफ क्या होना चाहिए? होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो। यानी कोई भी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हम कब बोलते हैं? जब जी टू जी डैश होती है। अगर इट सेल्फ जाता है तो कोई भी होमोमॉर्फिज्म अगर इट सेल्फ होती है, जी टू जी होती है, तो उसको ऑटोमॉर्फिज्म बोल देते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ग्रेटर देन वन है तो ऑर्डर ऑफ जी बताइए। तो यहाँ पर आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो। सेकेंड इसकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? If a group has non-trivial automorphism, non-trivial automorphism means अगर automorphism of G का order greater than one है, इसका मतलब ये हुआ कि केवल आइडेंटिटी जो मैपिंग होती है वही automorphism नहीं होगी, इसके अलावा भी हमारे पास automorphisms available है, right? जैसे आई फ्रॉम जी टू जी, अगर ये इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइवल ऑटोमॉर्फिज्म, है ना। अगर ऑर्डर ऑफ ऑट जी यानी कि एक से ज़्यादा है ऑटोमॉर्फिज्म, इसका मतलब ये हुआ कि और भी कोई हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म हो सकती है अदर देन आइडेंटिटी। क्लियर दैट? तो इस क्वेश्चन के प्रूफ पर हमें नहीं जाना, इसके हमें स्टेटमेंट को समझना है और एक रिजल्ट हमें याद रखना है। अगर किसी भी ग्रुप के पास नॉन ट्राइवल ऑटोमॉर्फिजम्स हैं तो वहां से हम बोल सकते हैं देन इट हैज एट लीस्ट थ्री एलिमेंट्स। यानी कि अगर ऑटोमॉर्फिज्म ऑर्डर ऑफ ऑट जी ग्रेटर देन वन है देन ऑर्डर ऑफ जी, हमने बोला एट लीस्ट थ्री एलिमेंट, कम से कम तीन एलिमेंट, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो ऑप्शंस हैं उनमें देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे थ्री लिखा गया है, काफ़ी स्टूडेंट जो थ्री को टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट थ्री एलिमेंट है ऑर्डर ऑफ जी में, बट हमने क्या कहा कि अगर नॉन ट्राइवल ऑटोमॉर्फिजम्स हैं देन इट हैज़, यानी कि जी हैज़ एट लीस्ट थ्री एलिमेंट, यानी कि टू से ग्रेटर होगा ऑर्डर ऑफ जी। इसमें जी में जो तीन एलिमेंट भी हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम तीन होंगे, तीन से कम नहीं होंगे, ठीक है। ना तो दो एलिमेंट होंगे, ना ही एग्जैक्ट थ्री है, लेस देन टू का तो सवाल ही नहीं है,
ठीक है, तो क्या हमने क्या कहा यहाँ पे, एटलीस्ट थ्री एलिमेंट, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ग्रेटर देन टू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पूछी गई है, एक भी थ्योरम का रिजल्ट आपको स्किप नहीं करना है। अ डिविजन रिंग हैज़ एटलीस्ट वन जीरो डिवाइजर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर, नन ऑफ दिस। डिविजन रिंग क्या होती है, अगर कोई भी रिंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप फॉर्म कर देती है उसको हम डिविजन रिंग कहते हैं, स्क्यू फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिंग की प्रॉपर्टीज, एट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, फाइव हमारी अबेलियन ग्रुप वाली होती है, राइट। इसके बाद जो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पेंडिंग होती हैं, कौन कौन सी, हमें मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप यहाँ पे बनाना है, इस चीज़ को समझ लेना है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, जो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, यानी कि आइडेंटिटी और इनवर्स अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मिल जाता है तो डिविजन रिंग हो जाती है ना। तो यहाँ पर एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अ डिविजन रिंग हैज़ नो जीरो डिवाइजर, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये डायरेक्ट थ्योरम्स के रिजल्ट से लिए जाते हैं, यानी कि थ्योरम की स्टेटमेंट आपको समझनी पड़ेगी, हर एक जो थ्योरम्स हैं उनको आपको एक बार के लिए दो बार के लिए रीडिंग लेना पड़ेगा, लेकिन समझ के रीडिंग लेना पड़ेगा, रट्टा नहीं लगाना है, ओके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये भी हमारी डेफिनेशन से रिलेटेड है, एन आइडियल एस ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड प्राइम आइडियल ऑफ आर इफ, किसी भी आइडियल को हम प्राइम आइडियल कब कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू एस, बी डजंट बिलोंग्स टू एस, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है भाई, ए नंबर एस में बिलोंग कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, नहीं जी। ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज दैट ए डजंट बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, ये भी कोई लॉजिक नहीं दे रहा है। ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग ए डजेंट बिलोंग्स टू बी डजेंट बिलोंग्स टू एस, हमें पता है कि जब हमारे पास आइडियल आता है तो वो नंबर तो एस के ही होने चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको ये सारे की सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, डेफिनेशन से, ये हमारी एज इट इज डेफिनेशन ली गई है, क्लियर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, इफ पी इज अ इरिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमेशा जब हम डेफिनेशन याद करते हैं, किसी भी टाइप की डेफिनेशन हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, पी इज इरिड्यूसिबल एलिमेंट, यानी कि इरिड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो किस फॉर्म में पूछा गया है ये भी आपको देखना है। यहाँ पे बोला गया है कि इरिड्यूसिबल एलिमेंट है किसका, कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी का, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें ये बताना है। तो दो कंडीशंस होती है, अगर पी जो है वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट होता है तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है पी हैज़ नो प्रॉपर फैक्टर्स, सेकेंड होती है पी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड पी इज नॉट अ यूनिट। दोनों जो कंडीशंस हैं ये पी इरिड्यूसिबल एलिमेंट होगा उसके लिए ट्रू है। हमसे पूछा गया है कि कौन सी ट्रू नहीं है, अगर आपको पता है कि ये दोनों इसकी कंडीशंस हैं, और फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर इफ पी डिवाइड्स ए बी इम्प्लाइज दैट पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स पी, ये जो कंडीशन है वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट की कंडीशन नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप बता सकते हो, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है इरिड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन के लिए, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू आपको बताना है, तीनों की तीनों जो है, यानी कि चारों, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी यही है, यानी कि ये सारी की सारी थ्योरम्स की स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। पॉलीनोमियल रिंग में, पॉलीनोमियल रिंग्स ये चैप्टर आपको दिया गया है, लास्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप्स एंड रिंग्स बुक का, इसमें से आपको थ्योरम्स गिवन हैं उनके ये रिजल्ट हैं, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर किसी को नहीं मिलता है इसका आंसर तो भी आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को फिर से
डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारे थ्योरम्स के रिजल्ट हैं, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, पॉलीनोमियल रिंग चैप्टर से है। आप यहाँ पे जाइए और इनके और सभी के सभी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से रिलेटेड है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के बाद आपको ये चेक करनी है, राइट। तो ये आंसर आपको जरूर करना है। चलिए, ग्रुप्स एंड रिंग्स के बाद कुछ क्वेश्चंस हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ट्राई करेंगे, जो कि 2021 एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। 2021 का एग्जाम पेपर ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कौन कौन से क्वेश्चंस था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डुप्लीकेशन फार्मूला। ये चार ऑप्शन आपके पास थे, मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है क्योंकि ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये आपके पास है डुप्लीकेशन फार्मूला, गामा एम प्लस 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई डिवाइड बाय 2^2m-1 इंटू गामा ऑफ 2m, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन चेंजिंग द इंटीग्रेशन द इंटीग्रल 0 to 1 4y to 4 e^2x² dx/dy बिकम्स। कहता है कि अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते इंटीग्रेशन का, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। तो ऑर्डर हमें चेंज कैसे करना है, यहाँ पे ये देखना है आपको। dx dy आपको गिवन है, यानी कि पहले जो लिमिट है हमारे पास वो x की लिमिट है, और जो बाहर की साइड जो लिमिट है ये y की लिमिट है, राइट। यही ऑर्डर होता है। अगर यहाँ पे dy होता तो ये y की लिमिट होती। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट x लाइज बिटवीन 4y to 4, राइट, एंड y लाइज बिटवीन 0 to 1। ये आपके पास लिमिट्स गिवन है, हमें इनका ऑर्डर चेंज करना है। इसके लिए हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं, हमें इसका छोटा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। y की जो वैल्यू हमारे पास है 0 to 1 गिवन है, तो 0 1/4 1/2 हम इस टाइप से ले लेते हैं चार वैल्यूज, ताकि हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकें। ऑलराइट, इसी के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ यहाँ से। अगर मैं वाई की वैल्यू लेती हूँ, यहाँ पे एक्स मेरे पास कितना है 4y और x इक्वल्स टू 4, राइट। x इक्वल्स टू 4 इज अपर लिमिट, यहाँ पर मेरे पास है 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर 0 है, तो x की वैल्यू भी क्या होगी 0। x इक्वल्स टू 4y, इससे हम डिपेंड कर जो y की वैल्यूज है यहाँ पे पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू हमारी निकलती जाएंगी। अगर मैं लेती हूँ y इक्वल्स टू 1/4, तो मुझे x मिलता है 1। अगर मैं लेती हूँ y इक्वल्स टू 1/2, तो मुझे x मिलता है 2। क्लियर दैट। तो हम छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी y की वैल्यूज रहेंगी, ये मैं 1 ले लेती हूँ, y इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है, y इक्वल्स टू 0 10। तो यहाँ पे जो लाइन्स हैं पहले वो ड्रॉ कर लो, x इक्वल्स टू 4y ये गिवन है। यहाँ से मैं y की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, x/4। यहाँ से देखिएगा तो y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होती है, ये लाइन होती है y इक्वल्स टू, यानी कि जो हमारी x एक्सिस होती है ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 1 ये लाइन हो जाएगी, राइट। x इक्वल्स टू 4, अगर मैं 4 पॉइंट ले लेती हूँ, जब हमने इसी गैप पर ले लेते हैं हम y, ये डिस्टेंस 1 है, तो x ये डिस्टेंस 4 हम ले लेते हैं, राइट। ये हमारे पास हो जाएगी x इक्वल्स टू 4 लाइन, ऑलराइट। और y इक्वल्स टू x/4, या फिर ये जो पॉइंट्स आपके पास है इसके अकॉर्डिंग आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। अगर मेरे पास है x, y की वैल्यू 1/4, अगर y हाफ है तो मेरे पास x कितना है 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। ये y हाफ हो जाएगा, यहाँ पे x 2 हो जाएगा, सो ये लाइन आ जाएगी लाइक दैट। ये लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन है y इक्वल्स टू x बाय 4 या x इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू x बाय 4, क्लियर दैट। हमें इसके ऑर्डर को, इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्टिकली स्ट्रिप सप्लाई कर लेते हैं, वर्टिकली स्ट्रिप सप्लाई कर लेते हैं। और अब जब मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई के इंटीग्रेट करना है, तो मुझे पहले चाहिए वाई के लिमिट,
ऑल राइट। और वाई के लिमिट्स अगर हम इसको ओपन करेंगे तो पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है, राइट right? तो वाई यहाँ पे कितना है, ज़ीरो। एंड वाई यहाँ पर कितना है, एक्स बाय फोर। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वाई के लिमिट, देखिए ज़ीरो टू एक्स बाय फोर, इसके पास भी है और इसके पास भी है, क्लियर। यानी वाई अगर मैं इन स्टेप्स को ओपन कर दूँ, पूरा एरिया हमारा कवर हो रहा है, और वाई की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से कहाँ तक वेरी कर रही है, एक्स बाय फोर तक। वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई ज़ीरो टू एक्स बाय फोर, तो एक्स जीरो टू एक्स बाय फोर इसके पास भी, इसके पास भी। अब देखते हैं एक्स की लिमिट क्या आती है। जैसे इन स्ट्राइप्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना है, ज़ीरो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना है, फोर, तो मेरे पास लिमिट्स आ जाएगी एक्स की ज़ीरो टू फोर। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे ज़ीरो टू वन बाय फोर है, तो एक्स के लिमिट्स को हमें ये देखना कि इस रीज़न में, क्योंकि ये रीज़न मेरे पास आया था, इस रीज़न में अगर मैं स्ट्राइप्स को ओपन करती हूँ तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है और वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, क्योंकि हमें इनका ऑर्डर को चेंज करना है। पहले डी एक्स डी वाई था, ये वाई के लिमिट, एक्स के लिमिट थी, हमारे पास वाई के लिमिट्स थी, हमने चेंज कर दिया, ये अब मेरे पास आगे वाई के लिमिट और ये आगे हमारे पास एक्स के लिमिट। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज ऑफ कोसाइन्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 टू पाई, 0 टू पाई इंटरवल गिवन है, मतलब आपको हाफ रेंज सीरीज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन ए नॉट ऑफ फॉर द सीरीज इज, यहाँ पर ए नॉट पूछा गया है, तो ए नॉट का जो फॉर्मूला है क्या होता है, 2 बाय पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमें यहाँ पे एफ ओ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, 2 बाय पाई 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स, राइट। इधर आप बाय पार्ट सॉल्व कर सकते हो, 2 बाय पाई एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस 0, लिमिट यहाँ पे अप्लाई करोगे 0 टू पाई, 0 टू पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, दिस इज 2 बाय पाई माइनस, हम पाई पुट करते हैं, सो माइनस पाई इंटू कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट के लिए माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करोगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 0 टू पाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स, लिमिट इज 0 टू पाई, और 0 टू पाई पे हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, साइन पाई भी 0 होता है, 0 पे भी 0 होता है, सो दिस इज माइनस 2 बाय पाई इंटू पाई कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, कॉस पाई क्या होता है, माइनस 1, ठीक है, सो दिस इज माइनस माइनस पॉजिटिव, पाई से पाई कैंसिल, आंसर इज 2, फोर्थ ऑप्शन। इससे पहले जो थर्ड क्वेश्चन स्किप हो गया था, थर्ड क्वेश्चन में आपको ए नॉट ही पूछा गया है, लेकिन वहाँ पे इंटरवल क्या था, 0 टू 2 पाई था, तो वहाँ पे ए नॉट के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, 1 बाय पाई 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स जो गिवन था वैल्यू पुट करो और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए, ओके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 प्लस आयोटा ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर 000 इज, यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से ये क्वेश्चन लिया गया है, हमें यहाँ पे एक रिजल्ट याद रखना है। वी नो दैट इमेज ऑफ एक्स प्लस आयटा वाई, किस पॉइंट की, एक्स प्लस आयटा वाई ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर 000 इज एक्स वाई जेड, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 2y बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और कैपिटल Z जो हमारे पास होगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपके पास स्फीयर का सेंटर गिवन है 000, रेडियस 1 गिवन है, तो किसी भी पॉइंट, कौन सा कॉम्प्लेक्स
प्लेन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, x प्लस आइटा वाई पॉइंट की इमेज क्या होगी, एक्स वाई जेड होगी, और इनकी जो वैल्यू होगी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ये इसकी वैल्यू होगी। अब हमें सिंपल करना क्या है, हमें निकालनी है इमेज ऑफ वन प्लस आइटा, वन प्लस आइटा इसको आप कंपेयर करेंगे एक्स प्लस आइटा वाई से। अगर मैं इससे कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है, 1, y की वैल्यू 1, इमेज मुझे चाहिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, पुट कर दीजिए 2/3, y इक्वल्स टू 2/3, z इक्वल्स टू यहाँ पर 1 + 1 - 1, 1/3, तो इमेज आ जाएगी इमेज ऑफ पॉइंट 1 प्लस आयटा इज 2/3, 2/3, 1/3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आपको दिया गया है उस पॉइंट को आप x प्लस आइटा वाई से कंपेयर करके, यानी कि हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉफिशियंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट जेड इक्वल्स टू 2 + i फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज, यहाँ पर हमें बताना है 2 + i मैग्निफिकेशन एट जेड इक्वल्स टू 2 + i और ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है, w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले जो एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको समझना है, कॉफिशियंट ऑफ मैग्निफिकेशन अगर हमें निकालना है फॉर कन्फॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू f ऑफ z, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें कॉफिशियंट बताना है मैग्निफिकेशन का एट z इक्वल्स टू a प्लस आइटा b, ये होता है f डैश a प्लस आइटा b एंड इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉफिशियंट ऑफ मैग्निफिकेशन, कॉफिशियंट ऑफ मैग्निफिकेशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, यानी कि हमें गिवन है w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू किसकी हो गई, एफ ऑफ जेड की वैल्यू हो गई, राइट। मुझे चाहिए एफ डैश ए प्लस आइटा बी, यहाँ पर ए प्लस आइटा बी क्या गिवन है, 2 + i, क्लियर दैट। अगर मेरे पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू है तो मैं एफ डैश जेड निकाल सकती हूँ, 2z हो गया। अब मुझे चाहिए एफ डैश ए प्लस आइटा बी, सो एफ डैश ए प्लस आइटा बी यहाँ पे हमें क्या करना है, एट जेड इक्वल्स टू 2 + i यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, 2 × 2 + i, ये वैल्यू मिल गई मुझे। अब मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ एफ डैश 2 + i, यानी कि मॉड ऑफ 4 + 2 i, रूट ऑफ 16 + 2² = 4, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, रियल कॉफिशियंट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कॉफिशियंट का स्क्वायर, √20, क्लियर दैट। तो इस टाइप से आप बता सकते हो, जो ऑप्शन आपके पास है वो रूट में सॉल्व कर रखा है, तो इसको लिख सकते हो आप 2√5, सो 2√5 इज फर्स्ट ऑप्शन, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद आपके पास है एंगल ऑफ रोटेशन, अगर आपसे पूछा जाए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ डैश ए प्लस आइटा बी हो जाता है एंगल ऑफ रोटेशन, रोटेशन दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ डैश ए प्लस आइटा बी, क्लियर, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है जेड इक्वल्स टू साइन यू साइन हाइपरबोलिक यू कॉस वी प्लस आइटा कॉस हाइपरबोलिक यू साइन वी सीज़ टू बी एनालिटिक एट, किस पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ एक फॉर्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा जो कि आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो, राइट। साइन आइटा एक्स इज इक्वल्स टू आइटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आइटा एक्स इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एंड यहाँ पर बेसिकली हमें करना क्या है कि ये जो वैल्यू है राइट साइड पर जो वैल्यू है ये देखना है कि किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ साइन हाइपरबोलिक यू प्लस आइटा वी, इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको यही वैल्यूज मिलने वाली है, क्या होता है 1/i साइन ऑफ आयटा यू प्लस आयटा वी, ये फॉर्मूला अगर ओपन करिएगा तो आपके पास ये बनता है।
वन बाय आयटा को लिख सकते हो माइनस आयटा, रेशनलाइजेशन कर लीजिए, ठीक है। साइन, इसको आप लिखिएगा साइन आयटा यू माइनस वी, आयटा स्क्वायर बिकम्स माइनस वन। यहाँ से साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन कर सकते हो, दिस बिकम्स साइन आयटा यू कॉस वी माइनस कॉस आयटा यू साइन वी, राइट। यहाँ से हम देखते हैं कि साइन आयटा यू हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, साइन आयटा एक्स इज आयटा साइन हाइपरबॉलिक यू कॉस वी माइनस कॉस आयटा यू क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबॉलिक यू इंटू साइन वी, ठीक है। आयटा को माइनस आयटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयटा आयटा स्क्वायर माइनस वन, और ये माइनस जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक यू इंटू कॉस वी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस आयटा, यहाँ पर देखिएगा प्लस आयटा सेम आ रहा है, कॉस हाइपरबॉलिक यू इंटू साइन वी, ये वैल्यू किसकी है, जेड की वैल्यू है, यानी कि जेड मेरे पास क्या आ गया, साइन हाइपरबॉलिक यू प्लस आयटा भी, क्लियर दैट। और यू प्लस आयटा भी क्या होता है भाई, यू प्लस इन कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या लेकर चलते हैं, डब्ल्यू, राइट। सो यहाँ से मुझे मिल गया जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू। सो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो जेड है वो सीजेस टू बी एनालिटिक एट दिस पॉइंट, कौन से पॉइंट पर ये एनालिटिक होगा, तो ये हमारे पास जेड सीजेस टू बी एनालिटिक एनालिटिक इफ डी जेड बाय डी डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो, अगर हम ये वैल्यू डी जेड बाई डब्ल्यू को जीरो पुट करेंगे तो जिस पॉइंट पर एनालिटिक है वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। यहाँ से मुझे क्योंकि डी जेड बाय डी डब्ल्यू यहाँ पर चाहिए, ओके, सो डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं, साइन इनवर्स साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स जेड। अगर मैं डी डब्ल्यू बाय डी जेड की वैल्यू सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन बाय रूट ऑफ वन प्लस जेड स्क्वायर, मुझे चाहिए डी जेड बाय डी डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से वैल्यू डी जेड बाय डी डब्ल्यू की निकाल सकते हो, रूट ऑफ वन प्लस जेड स्क्वायर, इसको जीरो पुट कर दो, वन प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आने वाला है, जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, क्लियर दैट। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको सॉल्व करने, इनके अकॉर्डिंग आप आइडिया ले सकते हैं कि हमें किस टाइप से तैयारी करनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर अलजेब्रा और डायनामिक के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, इनको अच्छे से ट्राई कीजिए, कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, या तो आप एप्लीकेशन पर या आपको जो नंबर्स गिवन है व्हाट्सएप पर आप क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।